नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सम्मी। अब खबरें विस्तार से। कैंट थाने की पुलिस ने व्यापारी के साथ कटरचना द्वारा छल व धोखाधड़ी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज दुबे पुत्र स्वर्गीय ध्रुवजी दुबे निवासी ग्राम भलवनी पोस्ट बड़हरा थाना खुखंद जनपद देवरिया, दूसरा राधे श्याम सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र स्वर्गीय सीताराम सिंह निवासी धतुरा खास टोला बड़ ललिया थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया, तीसरा अमित कुमार शुक्ला पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ शुक्ला निवासी गायत्री नगर कूड़ा घाट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 2,30,000 रुपया, 7 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 3 अदद पैन कार्ड, 1 मोटरसाइकिल, 1 कार को बरामद किया गया है। सीओ कैंट ने बताया कि वादी मुकदमा की बेलीपार क्षेत्र में फर्नीचर की दुकान है। अभियुक्तगण दुकान पर जाते हैं और उससे मेल जोल करके दोस्ती बढ़ाते हैं और वादी को होटल में फर्नीचर व बेड बनाने का ठेका दिलवाने का झांसा देकर होटल मालिक से मिलने के लिए अवंतिका होटल बुलाते हैं। जब वादी मुकदमा होटल पहुँचता है तो मालिक का इंतजार करने के बहाने टाइम पास के नाम पर मूंगफली के सहारे वादी मुकदमा के साथ जुआ खेलते हैं और ठगी कर पहले उसको 45 लाख रुपए जीतना बताते हैं और जब वादी मुकदमा लालच में आकर और जुआ खेलने लगता है तो फिर झांसा देकर 15 लाख रुपए की जुआ में हार बताकर उससे पैसे की वसूली करते हैं। वादी को डरा धमका कर उससे 4 लाख रुपए ले लेते हैं और शेष 11 लाख रुपए के लिए उसको धमकी देकर रंगदारी मांगते हैं। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा ठगी का तरीका जुआ पर आधारित है, जिसके लिए उनके द्वारा मूंगफली चना राजमा या किसी प्रकार की छोटे सामान का इस्तेमाल कर 60 की संख्या में किया जाता है, जिसमें से 1, 2, 3, 4 की संख्या में मूंगफली 4 अलग अलग जगहों पर निकाल कर रखी जाती है और इन्हीं चारों संख्याओं पर खेलने वाला व्यक्ति पैसे का दांव लगाता है और जो व्यक्ति जुआ खेल रहा होता है वह शेष बची मूंगफलियों को 4 के गुणांक में हिस्सा लगाता है, जिसमें जो व्यक्ति जुआ में दांव लगा रहा है वह जिस संख्या का चयन करता है वही संख्या अंतिम में शेष बचती है और वह व्यक्ति संख्या पर लगाए गए पैसे को हार चुका होता है। यह गेम पूरी तरह से गणित के फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें सम व विषम संख्याओं के आधार पर जीत हार का फैसला होता है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेंद्र कुमार राय, उपनिरीक्षक सुधांशु सिंह, राजवंश सिंह, कांस्टेबल संजीत यादव, चंद्राकार यादव, टीपू सुल्तान, आशीष चौधरी, उपनिरीक्षक छोटेलाल राय, हेड कांस्टेबल मनोज चौधरी, नामित मिश्रा, अरुण यादव, अशोक चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये थाना कैंट में एक गिरोह पकड़ा गया है। ये मूलतः धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर इनको गेम के माध्यम से इनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। इन ये गैंग में कई लोग हैं। इनका मूल काम ये है कि पहले एक आदमी जाता है, किसी व्यक्ति से संपर्क करता है, ऐसे व्यक्ति से जो व्यापारी हो, व्यापार करता हो या कोई उसकी शॉप चलती हो, उसको अपनी बातों में फंसाते हैं कि उसके साथ उनको व्यापार करना है। फिर धीरे धीरे मेलजोल बढ़ जाता है जब, तो कहीं एक जगह पे, जैसे हमारे वाले प्रकरण में अवंतिका होटल में उनको बुलाया गया एक कमरे में। बुलाने के बाद में वहाँ पर 2 से 3 लोग पहले से थे। जब वहाँ मौके पर पहुँचते हैं तो पहले व्यापार की बात होती है कि फर्नीचर हमको लेना है। फर्नीचर लेने के बहाने उनसे बातचीत होती रहती, जब विश्वास में ले लेते हैं वहीं बैठ के, तब फिर उनको एक गेम खिलाना शुरू करते हैं। जो गेम का उनका पूरा तरीका है, उसमें 60 गोटी के माध्यम से उनको गेम खिलाते हैं और इस तरीके से फिक्स करते हैं कि जिसमें अल्टीमेटली जीतेंगे वही। सामने वाले को अपने उसमें कर लेते हैं कि हाँ इतना पैसा देखो हुआ था, अब आप इतना पैसा हार गए, आपको देना पड़ेगा। जितना पैसा तुरंत उनके पास होता है वो उनसे ले लेते हैं, उसके बाद में जो बचा होता है वो बाद में उनसे फिर ले लेते हैं। इस केस में हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मनोज दुबे, राधे श्याम सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और अमित कुमार शुक्ला, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2,30,000 रुपये, 7 आधार कार्ड और 3 पैन कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और 1 चार पहिया वाहन जिसका कि प्रयोग लोग करते थे, उसको बरामद किया गया। सर, गोटी क्या है? गोटी का गोटी का मतलब
चाहे वहाँ पर वो मूंगफली के दाने यूज कर सकते हैं। गेम होता है कि कुछ है? गेम नहीं होता है, वो 60 लेते हैं, उसके बाद में 1, 2, 3, 4 अलग अलग करके रख देते हैं। सामने वाले से बोलते हैं आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, वो नंबर चूज करता है। उसके बाद में क्या करते हैं, 2 गोटी उसमें निकाल लेते हैं, वो वाली जो चूज करता है उसको उसमें मिला देते हैं। अल्टीमेटली होता यही है कि वो जीतेगा सामने वाला ही, लेकिन जो खेलता है उनके साथ उसे नहीं पता चल पाता है कि वो ज्वाइंट में ही निकलेगा। सर ये कब से चला रहे हैं? ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ इन्होंने घटना कारित की, तो हम लोगों ने फिर जब घटना बारे में पता चला मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत के बाद में फिर इस गैंग को ट्रेस किया गया। कहाँ से मूलतः रहने वाले हो? देवरिया। कितनी अभी तक घटनाएं कर चुके हैं? देवरिया के हैं, 3 से 4 घटनाएं इन्होंने अभी तक कबूली हैं, जो अन्य अन्य जगहों पर इन्होंने की हैं।